चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज सुबह उठ के मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई. आज मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर. हम दोनों जा रहे हैं पर मैं ज्यादा टाइम के लिए जा रही हूँ. ये तो रिटर्न आ जाएंगे. क्या करूँ, मुझे कोई रुकना ही नहीं चाहिए. मैंने बहुत बार बोला रुकने के लिए, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती. इससे ज्यादा नहीं बोल सकती क्या कर सकते हो? आपने क्या बोला, कितने बार बोला? मैंने बहुत बार बोला रुकने के लिए, बट आप ही कह रहे हो कि मैं आ जाऊंगा शाम में. तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना. मेरे को तो खुशी ही है आ जाओगे तो. ऐसा कुछ भी नहीं है. मम्मी के घर जा रही है, इतनी खुशी हो रही है. मम्मी के घर जा रही हूँ मैं. मैं गई तो कब का ही थी, पर इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं रिटर्न आ गई थी वापस. अब मैं दोबारा जा रही हूँ. यस, और बहुत मजा आ रहा है जाने में, है ना? मुझे ड्राइवर बना के रख दिया है, जाओ लेके लेने जाओ. तो मुझे ड्राइविंग सिखा दो तो मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी. तो फिर ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा. ड्राइविंग सिखाना बड़ी बात नहीं है, सिखाने के बाद रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, कब राइट के इंडिकेटर देके लेफ्ट मोड़ दोगी? अच्छा, आगे वाले पैसेंजर को चुप रहो, चुप रहो. क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? राइट का इंडिकेटर देके राइट ही जाऊंगी ना. नहीं नहीं, अब खुद ही आप यूट्यूबर्स से ले रही हो, उनके फीडबैक खुद ही ले लेना. व्हाट दे आर सजेस्टिंग यू, नोएडा टू नोएडा लिंक रोड. ओके, लेफ्ट के इंडिकेटर देके राइट कौन टर्न लेता है? सो गाइस, मैं अपनी मम्मी के पास आ चुकी हूँ और ये बिल्कुल भी अभी फेस दिखाना नहीं चाहती. कह रही है अभी मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मुझे मेकअप कर लेने दे, फिर तो यूट्यूब पे डाल देगी, मैं गंदी सी लगूंगी. तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेकअप कर लो पहले, फिर दिखाना अपना फेस. और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए. मतलब एक साल बाद मैंने वीडियो शूट करा तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे लगा कि पता नहीं सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू वापस से होंगे या नहीं, या फिर व्यूज़ आएंगे नहीं कि नहीं आएंगे इतने ज़्यादा. बट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही व्यूज़ आए हैं और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है. बट व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लोग लाइक करके नहीं, आप लोग लाइक करके नहीं जा रहे हो. लाइक भी करो मेरी वीडियोज़ को. थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को प्यार दिखाने के लिए. गाइज, मैं अपने घर कल ही आ चुकी थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने आगे वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं करा. और आज मॉर्निंग से मैंने दोबारा वीडियो बनाना शुरू करा है. और मेरे हस्बैंड मुझे कल ही यहाँ ड्रॉप करके शाम में अपने घर चले गए. पहले कोई मुझे छोड़ के गया, अब कोई मुझे याद कर रहा है. क्यों याद कर रहे हो बेबी? छोड़ के क्यों गए फिर? हाँ देखो इधर देखो छोड़ के क्यों गए? जो याद करना पड़ रहा है ना, रहते हैं मेरे पास कोई बात नहीं, हम जल्दी ही मिलेंगे. मैं भी मिस कर रही हूँ, पर मम्मी पापा को भी मैं मिस कर रही थी तो क्या करूँ, है ना? कितना शोर हो रहा है घर में भाई साहब, बता नहीं सकती. पीछे से रोशनी इतनी आती है मेरे घर में. एक तो मुझे भूख लग रही है, जा रही हूँ अपने लिए मैं टोस्ट बनाने. मम्मी मेरी याद करिए, खाओ क्या टोस्ट? मिस कर रहे हो मेरे हाथ का टोस्ट? खाओ माँ कसम. अरे इसमें कसम की कौन सी बात? आई मिस यू टू वेरी. झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती. ये देख रहे हो इतनी इरिटेटिंग है ना, ये जबरदस्ती मुझे किस लेने की कोशिश कर रही है. अब क्यों भाग रही है? आ, अब मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी तो भागना शुरू कर दिया तूने. आ जा, भाग गई. ये मेरे लिए गई है मेथी के पराठे लाने के लिए. चाची आई थी अभी मुझे, मेरे लिए लाने जा रही है, मेरे लिए जा रही है. चाची मुझे पूछी गई कि आपका क्या खाने का मन है, मैं वो आपके लिए लेके आऊंगी. मैंने कहा मेथी के पराठे दे दो बना के. तूने मुझे मारा कैसे? तूने हाथों से मारा? तू गाली दे रही है? नहीं, मैंने हाथों से मारा. देख सबको पता चलेगा, अब प्रूफ है मेरे पास. ये मम्मी को बोलती है कि मैं नहीं देती. देख अब तो मेरे पे वीडियो बन गई. अब तो मेरे पे अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख. हाँ अब मम्मी देख ले, मार रही है, मम्मी देख ले मुझे मार रही है. मैं
आ गई लेके मेरे लिए। एक चाटा खाने के बाद तो अपने आप ही लाइन चल रहा। हाँ ये तो। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद तब मारूंगी ना। अब तू देख बेटा, तू देख। क्या देख बेटा, तू क्या देख? अब इसको खिलाएगा कौन? खिला भी दे। अच्छा ना। चाची ने मेरे लिए बना के भेजा है मेथी के पराठे विद आलू की चटनी, जो कि मेरा फेवरेट है। शादी के बाद घर आने पे राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट मिलता है। सही में सब कुछ बेड पे मिलता है। पहले तो बोलती थी, पहले तो बोलती थी मम्मी जा खुद ले क्या, और अभी सब कुछ बेड पे मिल जाता है। वाह मजा। बोलते आलसपन बेटा। आलसपन नहीं बोलते इसको, कहते हैं अच्छा ट्रीटमेंट जो तुझे नहीं मिल पा रहा। शादी कर ले फिर मिलेगा। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे अचानक से मिलने आके मुझे इसने सरप्राइज कर दिया। देखो ये कौन आया। बताए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था। और ये यहाँ पे शिवांगी ने दिव्या के सर में कश्मीरी मिर्च लगा के कह रही है कि अब से तू मेरी धर्म पत्नी है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मेरी दोस्त बोल रही हूँ कि मैं इसे सरप्राइज देने आई हूँ और ये मुझसे काम करवा रही है। नो नो इट्स अवर, यही हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। ये मेरे लिए मैगी बना रही है। यस दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई। तो ये एक दोस्त का धर्म कर्तव्य है कि वो दूसरे दोस्त के लिए घर आगे खाना बनाए और दूसरी आगे जो दूसरे कमरे में बैठ के वेट कर रही है कि उसके लिए मैगी कि उसके लिए मैगी बन के बेड पे आ जाए। एक है जो मेरे लिए मैगी बना रहा है और एक है जो यहाँ आराम फरमा रहा है और बस सो के मैगी का वेट कर रहा है। ये बताओ, ये है एक आलसी दोस्त की निशानी जिसको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, बस बैठ के इनको फोन चलाना है। ये है मेंटोस जिंदगी। मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही हूँ जो हर चीज में सॉस डाल के खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है। हाँ वो क्रिंज इंसान मैं ही हूँ। मैंने इस मैगी में भी चुपके से सॉस डाल दिया है। उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद सॉस डाल के खाना, पर मैंने डाल दिया और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सॉस डाल के खाना खाने में अच्छा लगता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उसमें सॉस है, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। क्या बवासीर बना दिया हो? ये हमारी मैगी अब रेडी हो चुकी है और बस इस महारानी तक बेड पे पहुंचाया जा रहा है मैगी को। उठने का कष्ट कीजिए। दिव्या मैगी कैसी लग रही है खाने में? मस्त लग रही है। तुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो अलग हो इस मैगी में? हाँ इसका थूक। मेरा थूक गिरा था पता है। और कुछ नहीं लग रहा वैसे सही में जो तूने डाला है। देखो इसे पता भी नहीं चला सॉस डाला है मैंने इसमें रेड वाला। इसको पता भी नहीं चला और इसने बोला है कि मस्त लग रही है। देखा आज तक तू मुझे कहती थी कि मैं टट्टी खाती हूँ। सॉस डालने के बाद अच्छा लगता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया अभी से। अब ये कभी भी नहीं बोलेगी नहीं मुझे थोड़ा मीठा मीठा लगा। अब कभी नहीं, अब चुप रहे, अब कुछ चुप रहे, अब बिल्कुल चुप रहे। मजा आ रहा है। इन्होंने अब गंदी गंदी फोटोज ले लिए और अब वो डिलीट करने के लिए फोन छीन रही है पर वो दे नहीं रही। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। छीनना पड़ेगा अपनी हक के लड़ाई लड़ने।
है क्योंकि इनकी गंदी फोटो आई है और इनको डिलीट करना है। मुझे पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं पता। मैं नहीं बताऊंगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। कर दे। अभी इन दोनों ने मारपीट करके अब बाल खराब किए, अब एक दूसरे के बाल ठीक कर रहे हैं। क्या सीन है? तो अब ये जा रही है मुझे छोड़ के। मैं अब इसे गेट तक छोड़ दूँ थोड़ा। चलो ग्रीटिंग कर रहा है क्या? बाय बाय बाय। अबे हट जाओ ना, ऑटो में ठुके। बाय। अब ये भी मुझे जा रही है छोड़ के। बाय बाय। चलो फिर आएंगे गेट तक छोड़ के आना तुम। चल ठीक है।